सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 26 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2079, मास चल रहा है वैशाख का, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है ब्रह्मा और करण है बव। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो वरुथनी एकादशी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलताओं में वृद्धि होगी, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव और व्यग्रता का अनुभव आप करेंगे। ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी न दिखाएं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप बिल्कुल न बढ़ाएं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहस्थ जीवन में उग्र वातावरण बना रहेगा, आध्यात्मिकता के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और ईश्वर भक्ति से मन को शांति भी प्राप्त होगी। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए आज बहुत विशेष लाभदायी रहने वाली है। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक काम में परिवार से दूर जाकर के आज कहीं रात्रि विश्राम, कहीं रुकने रहने की ऐसी कोई जरूरत पड़ सकती है किसी जरूरी काम के लिए। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी में पदोन्नति के योग दिखते हैं। आपकी कार्य पद्धति से आपके उच्च अधिकारी बहुत ही प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, भाई बंधु के साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़े तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। साहित्यिक प्रवृत्ति विशेष रूप से आज आपको पूरे दिन प्रभावित करेगी। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, निवेश से आपको बचना होगा। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए नए कार्य को आरंभ करने के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो जो नए काम की आप प्लानिंग में लगे हैं उसको कुछ समय के लिए अभी टालिए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए बाहर का खान पान करने से बचें, छोटे प्रवास या पर्यटन के योग आपके लिए बनते, कोई छोटी छोटी ट्रिप आपकी कुछ एक दो होनी चाहिए। ओम माइले नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, क्रोध करने से आपको बचना होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन एवं वस्त्र आभूषणों की खरीदारी आज आप कर सकते हैं, स्वास्थ्य का बहुत अच्छा सुख सहयोग आज आपको मिलेगा। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने के योग दिखते हैं, सेहत का खास ध्यान आपको रखना होगा, परिवार का माहौल आपके पक्ष में आज रहेगा। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बड़े वादे बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, और इस विषय में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। अक्सर होता यह है कि हर दिन नए दर्शक हजारों की तादाद में जुड़ते हैं और उन्होंने पुराना वीडियो देखा नहीं होता, वो एक ही प्रश्न जो है बार बार रिपीट क्वेश्चन हमारे सामने आता रहता है और मजबूरी है कि वो जानकारी आपको देते रहें। तो कुछ नए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आज आपको फिर से मैं बताऊंगा कि अपने पर्स में क्या आपको रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। रुपया या नोटों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का कार्य हमारे पर्स बखूबी निभाते हैं। हर परिस्थिति में आपके नोट पर्स में सही ढंग से रखे रहते हैं, जिससे उनके कटने या फटने का डर नहीं होता। पर्स में पैसा रखा जाता है, अतः इस संबंध में वास्तु द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई बहुत सारी टिप्स इंपॉर्टेंट दी गई हैं, जिसे अपनाने पर व्यक्ति को भी कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं होता। हमारे जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों का संबंध वास्तुशास्त्र से है। वास्तुशास्त्र हमारे आसपास फैली सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांतों पर
कार्य करता है। जो वस्तु नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है उन्हें हमारे आसपास से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे सुख और कमाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आय बढ़ाने या फिजूल खर्ची में कमी करने के लिए पर्स का वास्तु भी ठीक करने की आवश्यकता जातक को पड़ती है। पर्स में सिक्के और नोट दोनों अलग अलग स्थानों पर रखे जाने चाहिए। इसके अलावा पर्स में मृत व्यक्तियों के चित्र रखना बहुत शुभ नहीं माना जाता, अतः इस प्रकार के चित्रों को भी पर्स में नोटों के साथ नहीं रखना चाहिए। पर्स में संत महात्मा के चित्र, आदर्श पुरुषों के चित्र रखे जा सकते हैं। यदि कोई संत या महात्मा देह त्याग चुके हैं तब भी उनके चित्र या फोटो पर्स में रखे जा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देह त्यागने के बाद भी संत महात्माओं को मृत नहीं माना जाता है। कुछ लोग पर्स में ही चाबियां भी रखते हैं। चाबियां रखना बहुत अशुभ माना जाता है, इन्हें भी रुपयों पैसों से अलग ही रखना शुभ होता है। पर्स में नोट या सिक्कों को एक साथ रखना नहीं चाहिए, इनको रखने की अलग अलग जगह होनी चाहिए। और पर्स में जहां पैसा रखते हैं उसके साथ खाने पीने की चीजें भी नहीं रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो हैंडबैग वगैरह होता है, बड़ा पर्स जो महिलाएं कैरी करती हैं, तो उसमें बिस्किट का पैकेट रखा है, कुछ उसमें से चॉकलेट वगैरह खाया और आधा जूठा करके पर्स में डाल दिया वापस, उसी में आपने छोटा वॉलेट भी रखा हुआ है जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड्स और पैसे वगैरह कैश वगैरह रखा है, ये बहुत गलत है, लक्ष्मी का अपमान होता है, अशुद्धि इसको मानी जाती है, जूठा माना जाता है। तो इस कारण से खाने पीने की चीजों के साथ भी पर्स या कैश जो है नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में ऐसी वस्तुएं हरगिज न रखें जो नकारात्मक ऊर्जा को संचारित करती हों। पर्स में किसी भी प्रकार का बिल या भुगतान से संबंधित कागज नहीं रखे जाने चाहिए। इसके लिए पर्स में किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु न रखें। जो वस्तुएं फिजूल हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन वस्तुओं को तुरंत ही पर्स से बाहर कर देना चाहिए। इनके अतिरिक्त पर्स में धार्मिक या पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जिनसे बढ़ती है, या जिनके दर्शन से, जिनके देखने से आपके विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उनको आप रख सकते हैं। और जिन्हें देख करके हमारा मन प्रसन्न होता हो, ऐसी फोटो, ऐसे चित्र, ऐसे लोग, ऐसा कोई भी दृश्य जिन्हें देख करके हमारा मन अंदर से बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको आए, वो चीज़ें आप अपने वॉलेट में, अपने पर्स में या हैंडबैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती है, वह निश्चित ही पसंद आती होगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल, हर हर महादेव। महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।